थोड़े पीसेस ऐसे ही जमा दिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अल्लाह करे सबको सेहत में नवाज दे, जो बीमार है वो शिफा अता फरमाए, हर बच्चे के बड़े को सबको नेक तोहफे देता दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम डायमंड्स कुकिंग में बेहतरीन पत्थर के गोश्त की रेसिपी लेके आए हैं। सबसे पहले मैं तकरीबन ये आधा किलो गोश्त है, आप कौन सा भी गोश्त ले सकते हैं, चिकन या बीफ या मटन। मैं मटन ली तो इसके ऐसे पतले पतले पीसेस करा ली, मैं बाहर से ही करा के मंगाई है पतले पीसेस, बस अपने को खाली घर पे ही थोड़ा थोड़ा ऐसा अच्छा इसको मार के ऐसा चपटा करना है, इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं तो अच्छा इसको बड़ा पतला पतला करना है, इसको मार के देखिए अच्छी तरह से बड़ा हो गया, ये देखिए पतला हो गया। ऐसी ही कर लेंगे अपन पूरे, देखिए इसको मारेंगे फत ऐसा, आप किससे भी कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही पूरे पीसेस कर लेंगे अपन, देख सकते हैं पूरे पीसेस को ऐसे ही कर लेंगे अपन, उसके बाद फिर नेक्स्ट बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए देख सकते हैं कितना अच्छा पतले पतले हो गए, देखिए पूरे पीसेस देख सकते हैं पूरे अच्छी तरह से। मैं ऐसे ही पत्थर से पूरे पत्थर से ही मार के इसको ऐसा सब पत्थर से मार के अच्छी तरह से पूरे पतले पतले जी अच्छा अच्छा। ये पत्थर का गोश्त बहुत ऐसे पतले रहना और जल्दी गल जाता, नरम हो जाता है गोश्त ये। चलिए इसको एक बॉल में निकाल लेंगे पूरे गोश्त के पीसेस को अपने। चलिए पूरे अच्छी तरह से डिश में निकाल ली मैं। चलिए नेक्स्ट इसका मसाला रेडी कर लेंगे। एक मिक्सी जार ले ली मैं, इसके साथ ही इसमें ये पत्थर का फूल है मेरे पास, ये ऐड कर देंगे। कप चीनी है आधा आधा चम्मच ऐड कर रही हूँ, एक फूल है ये, काली मिर्ची है, शाहजीरा है आधा आधा चम्मच है सभी चीज़ें। इसको अच्छी तरह से इसका पाउडर बना लेंगे। चलिए पाउडर रेडी हो गया, मसाला पाउडर, कोथमीर, हरी मिर्ची, पुदीना, इसका पेस्ट बना लेंगे अच्छी तरह से बारीक। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से बन के रेडी हो गए। सबसे पहले अपन इसमें नींबू ऐड करेंगे, तकरीबन एक नींबू ऐड करेंगे इसमें, नींबू से बहुत अच्छा रहता। चलिए नींबू के बाद आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, आधा चम्मच मेरे पास पपाई का पेस्ट है, आधा चम्मच तारी में ज़्यादा नहीं, अच्छी तरह से गोश्त गले जैसा। चलिए एक चम्मच में ये कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची का पेस्ट है ये एक चम्मच पूरा। चलिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है, मिर्ची अपन हरी मिर्ची भी डाले इस वजह से देख के डालना, आधा चम्मच नमक पाउडर है, नमक भी देख के डालिए, ये पिसा हुआ पाउडर डाल देंगे नेक्स्ट, जो शाहजीरा, पत्थर का फूल, कबाब चीन, थोड़ा सा का तेल डालेंगे। चलिए सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हाथ से ही मिक्स करेंगे, अच्छा मिक्स करना है इसको। चलिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया। चलिए इसको तकरीबन एक से डेढ़ घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, रैप कर देंगे इसको। चलिए इसको अच्छी तरह से रैप कर दे रही मैं, ज़रा भी कहीं से भी हवा नहीं जाना, अच्छी तरह से रैप कर देंगे। चलिए इसको एक से डेढ़ घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, नीचे रखेंगे, फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, नीचे रखेंगे। चलिए नेक्स्ट फिर एक से डेढ़ घंटे के बाद फिर नेक्स्ट बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह पूरा एक से डेढ़ घंटा हो चुका है, इसका कवर निकाल देंगे अपन। चलिए हवा रख ली मैं, तवे पे अपन घी ऐड करेंगे। चलिए मैं घी डाल रही हूँ, आप तेल भी डाल सकते हैं मगर घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ऐसे ही पूरे जमा के रखेंगे। बहुत जने परेशान रहते अगर अरे पत्थर का कुछ पत्थर पे ही बनाना बोल के, मगर वैसा कुछ भी नहीं है। अपन मसाला पत्थर के कुछ का बनाना, पूरे पीसेस ऐसे ही जमा दिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देख सकते हैं पूरा अच्छी तरह से मैं चारों तरफ से पूरा अच्छा जमा दी। घी में ही फ्राई हो रही है, मीडियम आंच पे अपन इसको फ्राई करेंगे। इसके ऊपर ढक्कन लगा दिए। ढक्कन लगाने से क्या है, अच्छा गलता भी गोश्त और जल्दी झटपट बन के रेडी होता। चलिए नेक्स्ट पीस पलटाते वक्त बताऊँगी मैं। चलिए हलो हलो इस तरीके से पलटेंगे इसको, बहुत इस तरीके से पलटेंगे नहीं तो टूट जाते और जल्दी गल जाते ये। अपन क्यों बोले तो बहुत पतले करे थे अपन, बहुत आसानी से गल जाते ये। एक एक करके देखिए, अभी इसके अच्छे कलर भी अच्छा आया देखिए इसका। एक एक करके पलटेंगे इसको, चलिए देख सकते हैं अच्छी तरह से गल पलटा दी मैं। फिर इसको भी अच्छी तरह से नीचे से भी अच्छा पका लेंगे, इसका नेक्स्ट बताऊँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन अपने पत्थर का गोश्त बन के रेडी हो गया। इसको निकाल लेंगे पूरे पूरे अच्छी तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छी तरह से आसानी से टूट गई है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चलिए नेक्स्ट वीक भी मैं डाल दूँ। तेल में थोड़ा सा का घी डाल के अपना ये गोश्त अच्छी तरह से रख दी पूरा जमा के। चलिए इसको ढक्कन लगा देंगे। इसको भी 5 से 10 मिनट तक मीडियम आंच पे रख के अच्छी तरह से पका लेंगे, उसका नेक्स्ट बताऊँगी। चलिए माशाल्लाह बेहतरीन ये भी अपना गोश्त बन के रेडी हुआ। चलिए इसको निकाल लेंगे बस। चलिए बेहतरीन अपना पत्थर का गोश्त भी बन के रेडी हो गया। चटनी रख लेंगे अपन, इसके पुदीने की चटनी है बना के रखी है। माशाल्लाह बेहतरीन अपना पत्थर का गोश्त बन के रेडी हो गया। इसके साथ लच्छा पराठा है, लच्छा पराठा मैं होममेड ही है। देख सकते हैं गोश्त गला से, देखिए कितना आसानी से टूट जा रहा है। देखिए पूरा मस्का हो गया, देखिए देखिए पूरा आसानी से टूट जा रहा। इसके साथ ये चटनी है पुदीने की, मैं तोड़ के बताऊंगी। नींबू डालेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन बन के रेडी हुआ। बहुत बेहतरीन बनी रेसिपी, ज़रूर ट्राई करिए आप ये रेसिपी को। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जब तक अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँगी। दुआ में याद रखिए। शब खैर।